का स्वागत कीजिएगा डॉक्टर अमित महेश्वरी। क्रिएट अ वैल्यू एडिशन। एक व्यक्ति व्यापार में धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और आप जानते हैं जब कोई व्यापार में व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसके साथ साथ इन्वेस्टर आ जाते हैं, पैसा लगाने वाले आते हैं, पैसे को बढ़ाने में सपोर्ट करने वाले आते हैं, उसके डेवलपमेंट में साथ देने वाले आते हैं और बहुत सारे लोग उसके साथ जुड़ जाते हैं जो उसकी प्रोग्रेस में खुद भी पैसा कमाते हैं, उसको भी कमाते हैं और कंपनी को निरंतर आगे बढ़ाते हैं। यस और नो? ठीक, ऐसा ही एक व्यक्ति के साथ हुआ। वो व्यापार में आगे बढ़ता गया, बढ़ते 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 उसकी कंपनी जो चंद लाखों रुपए से शुरू हुई थी करोड़ों तक पहुंची, करोड़ों से अरबों तक पहुंची और अरबों से वो कंपनी पूरे विश्व में अपना परचम लहराने लगी। लेकिन अचानक अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई। आप अपने व्यापार पर तो ध्यान दे सकते हैं लेकिन अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना आपके हाथ में, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करना आपके हाथ में नहीं है। और अर्थव्यवस्था में मंदी आ गई और जैसी अर्थव्यवस्था में मंदी आई तो इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा निकालना शुरू कर दिया और आज भी अर्थव्यवस्था में यही चल रहा है। मंदी का दौर है, लोग भूमि का सेल परचेज नहीं कर रहे हैं, मार्केट में बायर नहीं है, मार्केट में इन्वेस्टर नहीं है। इसका मतलब हर व्यक्ति अपनी पूंजी को संभाल के अपने पास रख रहा है, खर्च नहीं कर रहा है। तो ऐसा ही हुआ, हर व्यक्ति ने पैसा निकालना शुरू कर दिया और सेल घटना शुरू हुई। और धीरे धीरे जब सेल घटना शुरू होती है तो आपके खर्चे कभी घटना शुरू नहीं होते। वो व्यक्ति व्यापार में घटते 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 इस अवस्था पर आ गया कि उसका व्यापार नीलाम होने की कगार पर आ गया। और एक व्यक्ति जब उसकी संपत्ति नीलाम होने की कगार पर आती है तो उस नीलामी में खरीदने वाले लोग वही होते हैं जो कहीं ना कहीं उसके अच्छे साथी थे। और एक दिन उसी के फार्म हाउस के प्रांगण में नीलामी लगाई गई क्योंकि इन्वेस्टर अपना पैसा वसूल करना चाहते थे। और नीलाम करते समय नीलामकर्ता जो वहां पर बैठा हुआ था बिडिंग को अनाउंस करने के लिए वो एक एक करके चीजों को बेचने लगा। सबसे पहले मर्सिडीज बेंज। नीलामकर्ता ने कहा मर्सिडीज बेंज इज अवेलेबल फॉर सेल, कीमत लगाइए। एक व्यक्ति ने कहा 10 लाख, किसी ने कहा 15 लाख, किसी ने कहा 20 लाख, किसी ने कहा 25 लाख। 25 लाख के बाद कोई आवाज नहीं आई। नीलामकर्ता ने कहा 25 लाख 1, 25 लाख 2 और 25 लाख 3। और जैसे ही 25 लाख 3 बोला तो वो मर्सिडीज बेंज 25 लाख रुपए में बिक गई। और ऐसा करते करते उस व्यक्ति का मकान, उसकी फैक्ट्री, उसकी मशीन, उसके टूल्स, उसके इक्विपमेंट, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ बिकने लगा। और जब सारी चीज बिक जाती है तो सबसे अंत में जो नंबर आता है वो नंबर होता है उस कबाड़ का जो कहीं ना कहीं साइड में पड़ा हुआ है। अब नीलामकर्ता ने कबाड़ की तरफ देखा, वहां पर एक तानपुरा रखा हुआ था, सितार रखा हुआ था। और सितार को देखा और नीलामकर्ता धीरे से मुस्कुराया और उसने एक व्यंग कसा। उसने कहा कि क्या कोई आप में से व्यक्ति इस पुराने सितार तानपुरे को खरीदेगा? सही व्यक्तियों ने इशारा किया, नहीं, पुराना कबाड़ कौन खरीदेगा। तो नीलामकर्ता ने एक व्यंग कसा कि क्या कोई व्यक्ति सितार को 500 रुपए, 100 रुपए या 50 रुपए में खरीदेगा? और आप जानते हैं नीलामी का उसूल क्या कहता है, नीलामी में कीमत बढ़ती है। लेकिन यह व्यंग था जहां यह कहा गया कि क्या कोई व्यक्ति इस सितार को 500 रुपए, 100 रुपए या 50 रुपए में खरीदेगा। उस पूरे हॉल में सन्नाटा छाया हुआ था। भीड़ में से लास्ट की सीट से एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया और कहा कि सर आप इस सितार को बेच रहे हैं या इसकी बेइज्जती कर रहे हैं? तो नीलामकर्ता ने फिर दोबारा कहा कि क्या कोई व्यक्ति इस सितार को 500 रुपए, 100 रुपए या 50 रुपए में खरीदेगा? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे 5 मिनट का समय दिया जाए, उसके बाद इसकी बोली दोबारा लगाई जाए। वो व्यक्ति उस भीड़ में से उठकर आया, मंच पर चढ़ा, सितार उठाया, अपनी पॉकेट में से रुमाल निकाला, सितार को साफ किया, अच्छे से रगड़ के साफ किया, एक एक तार को सेट किया, तार को ट्विन किया, ट्यून करने के बाद वो वहां पर बैठा और सितार बजाना शुरू किया। उस व्यक्ति ने 5 मिनट तक लगातार सितार बजाया और भीड़ में बैठा हर व्यक्ति उसकी मदहोश धुन के अंदर खो गया। वो ये भूल गया कि वो कहीं पर नीलामी के एक कार्यक्रम में बैठा है। जब उस व्यक्ति ने सितार बजाया तो हर व्यक्ति उस सितार की धुन में अंतर्मुग्ध हो गया। और जब सारे व्यक्ति उस धुन के अंदर खो गए, सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली, तो उसने अचानक सितार बंद किया, सितार रखा और चुपचाप जाके अपनी सीट पर बैठ गया। नीलामकर्ता जो एक व्यंग कस रहा था कि क्या कोई व्यक्ति सितार को
₹500, ₹100 या ₹50 में खरीदेगा तो उसने दोबारा भीड़ से पूछा, क्या कोई व्यक्ति सितार को खरीदेगा? तो एक व्यक्ति ने हाथ खड़ा किया, ₹5,000। बोली लगना शुरू हुई, किसी ने कहा ₹7,000, किसी ने कहा ₹10,000, किसी ने कहा ₹15,000, किसी ने कहा ₹25,000। भीड़ में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ, ₹50,000। ऐलान करता ने कहा, ₹50,001, ₹50,002, ₹50,003। टक, नीलाम करता ने वो सितार ₹50,000 में बेच दिया। इसका मतलब, उस व्यक्ति से दोबारा पूछा गया कि सर जरा इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो चीज कोई व्यक्ति ₹50 में खरीदने के लिए तैयार नहीं था, आपने उसको ₹50,000 तक बिकवा दिया। एक बार इनका मंच पर स्वागत करें, इन्हें बुलाएं और इसके बारे में कुछ कहें। वो व्यक्ति नम आंखों से मंच पर आया और उसने कहा, ये सितार मेरा सबसे फेवरेट सितार था, मुझे गाड़ी से प्यार नहीं था, मुझे फैक्ट्री से प्यार नहीं था, मुझे बंगले से प्यार नहीं था, मुझे मशीन से प्यार नहीं था, मुझे टूल से प्यार नहीं था, क्योंकि वो सब मेरे लिए एक व्यापार था, पर ये मेरे मन की हॉबी थी, ये मैंने बड़े ध्यान से, मेरे पिता ने मुझे गिफ्ट किया था और मैं इस कंपनी का मालिक हूं जो कंपनी आज नीलाम होने जा रही है। आप में से कोई व्यक्ति मेरी हर चीज की कोई भी कीमत लगा सकता है, लेकिन मेरी हॉबी की, मेरी काबिलियत की कीमत आप ₹50 नहीं, आप ₹50,000 लगाएंगे। और मैं वादा करता हूं आज के इस कार्यक्रम से मैं एक बात सीख के जा रहा हूं, यहां से मुझे एक नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटी मिली है और वो अपॉर्चुनिटी मुझे बताती है कि जीवन में यदि पुरानी चीजों की गुणवत्ता, काबिलियत या इमोशंस को जोड़ दिया जाए तो वो चीज कौड़ियों के भाव नहीं, हीरे के भाव बिकेगी। और उस व्यक्ति ने वहां अनाउंस किया, मैं एक ऐसी कंपनी की स्थापना करूंगा जो दूसरे व्यक्तियों की पुरानी चीज, जो किसी समय पर उनके लिए बहुत बेहतरीन हुआ करती थी, उसकी गुणवत्ता और काबिलियत को बताकर, उसकी गुणवत्ता में इजाफा करके उसको कई गुना कीमत पर बेचूंगा। और उस व्यक्ति ने एक वेबसाइट बनाई जहां लोगों को ऑफर किया, आपकी पुराना सामान हम बेचेंगे। और धीरे 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 ये इतनी तेजी से प्रचलित हुई कि वो कंपनी 27,000 करोड़ का टर्नओवर पार कर गई और उस कंपनी का नाम है क्विकर। उस कंपनी का नाम है, समझने वाली बात यह है कि फ्रेंड्स, हम में से हर व्यक्ति अपने जीवन में छोटी छोटी परेशानियों से परेशान हो जाता है, छोटी छोटी दिक्कतों से फंस जाता है, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, आक्रोश में आ जाता है, अपना आपा खो बैठता है। एक व्यक्ति जिसकी सारी संपत्ति नीलाम हो गई, जहां पर थोड़ा सा दुख होने के बाद हम सैड सॉन्ग सुनना शुरू कर देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होना शुरू कर देते हैं, दूसरों से दुर्व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, वो व्यक्ति मंच पर आकर एक मदहोश धुन बजाता है। सोचिए उस व्यक्ति की मानसिकता, जहां पर वो बिल्कुल बर्बाद हो चुका है, लेकिन दूसरे लोगों को खुशी प्रदान करने के लिए उसने मदहोश धुन बजाई और उस धुन से उसको आइडिया आया कि क्यों ना ऐसा व्यापार किया जाए जहां पुरानी चीजों की कीमत को कई गुना बढ़ाया जाए। अब आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, अब तो ये बिजनेस हो चुका है, अब हम क्या करें? फ्रेंड्स, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बिजनेस या वो आइडिया नया है या पुराना, पर किस बात से पड़ता है कि क्या आप दोबारा से कोई ऐसा आइडिया, कोई भी और वैल्यू एडिशन कर काम कर सकते हैं? यदि कर सकते हैं तो आप दोबारा से नया माइलस्टोन क्रिएट कर सकते हैं। और एक और कंपनी खड़ी हुई, इस कंपनी का नाम है, अगर क्विक करे तो दूसरी कंपनी कौन सी आई? ओएलएक्स। इसका मतलब यह टेंशन कभी मत लेना कि मेरे पास तो कोई आइडिया ही नहीं है तो मैं काम क्या करूं। आप किसी भी दूसरे आइडिया पर थोड़ा सा वैल्यू एडिशन करके आप एक नया आइडिया पैदा कर सकते हैं, नया बिजनेस डेवलप कर सकते हैं, नई योग्यता, काबिलियत और ऊर्जा के साथ बहुत अधिक पैसा कमा सकते हैं।